इंद्रलोक में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर के साथ नमाजियों की भिड़ने वाली एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। अब इसी आधार पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई की, उन्हें लाठी से मारा, सड़क पर खींचा और पुलिस की गाड़ी में भरकर ले गए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें लिखकर शेयर किया जा रहा है। एक्स पर एक यूजर ने सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती की तरफ इशारा करते हुए लिखा, यूपी में सड़क पर नमाज न बाबा न बाबा जी का खौफ। तो वहीं हम लोग नाम के एक अकाउंट ने वीडियो डालकर लिखा, दिल्ली पुलिस ने तो अपनी कर्तव्यता का पालन करते हुए अधिकारी को बर्खास्त कर दिया, पर बीच यूपी में नमाज के लिए सड़क रोकने वालों का क्या नतीजा होगा। एक और अकाउंट ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी का समर्थन किया और उत्तर प्रदेश में रोड जाम करने के परिणाम के रूप में इस वीडियो को शेयर किया। और एक यूजर ने यही वीडियो शेयर किया और लिखा, यह भी सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे लेकिन उत्तर प्रदेश है, यहाँ बाबा की पुलिस हर वक्त हर जगह ड्यूटी पर रहती है। एक और यूजर ने लिखा, कैसे उत्तर प्रदेश में सड़क जाम करने पर कुटाई होती है। पहली नजर में ये वीडियो हाल का नहीं लग रहा है, लेकिन अगर गौर करें तो जिन लोगों ने ये वीडियो डाले हैं उन्हें यह घटना कहां की है यह नहीं बताया है। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखने पर जहां पुलिस यह कार्रवाई कर रही है वहां दुकानों के बोर्ड दिखते हैं और इन पर नीचे लिखा हुआ है इटावा, यानी ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से ताल्लुक रखता है, ये वीडियो इटावा जिले का है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि यह घटना इटावा की है, लेकिन हाल ही में फिलहाल ऐसी कोई घटना इटावा में नमाज से संबंधित ढूंढने पे नहीं मिली। इटावा में हाल ही में नमाज को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन जब इटावा में नमाज से संबंधित ऐसी पुरानी घटनाओं की जानकारी निकाली गई तो पता चला ये मामला इटावा में हुआ ही नहीं है। लेकिन यह इस समय का ही नहीं बल्कि मार्च 2020 यानी आज से तकरीबन 4 साल पुराना वीडियो है। वहीं जब हमने पड़ताल करी तो इससे संबंधित एक ही नहीं कई वीडियो भी हमें मिली है। इसी से रिलेटेड कुछ खबरें भी उस समय पब्लिश की गई थी जिसमें इटावा में नमाजियों को नमाज में रोके जाने का दावा किया जा रहा था, उसका जिक्र किया गया है। आपको बता दें ये वीडियो दरअसल जब का है, जब पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे, इस दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक थी। ऐसे में जब एक साथ नमाज पढ़ने के कारण पुलिस ने ये कार्रवाई की थी तब उन्हें तितर बितर किया गया था। ऐसे में ये वीडियो और ये दावा दोनों ही फेक निकला, जिसमें दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में नमाजियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। खैर, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल RN News को सब्सक्राइब करना ना भूलें।